बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम जमजम किचन बाय आयशा शहजाद। आज की रेसिपी आपके लिए जो मैं लेकर आई हूँ वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनेगी, जिसके लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए पिसा खोपरा, बादाम पिस्ते गार्निशिंग के लिए ये ऑप्शनल है, और कंडेंस मिल्क। ठीक है, हमने लिया एक प्याली में पिसा खोपरा, कुछ बादाम और कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ये छोटा पैकेट ले लिया था। रेसिपी की तरफ चलते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि पिसा खोपरा एक प्याली में, तकरीबन आधा पाव के करीब ये पिसा खोपरा है, या 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का आप ले लीजिए, इसे आपने पिसा खोपरा हाफ डालना है। ठीक है, उसके बाद हमने कंडेंस मिल्क का ये छोटा सा पैक है, 80 रुपीज़ का आराम से मिल जाता है, सस्ता मीठा बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार बनेगा, इसे आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छी खासी क्वांटिटी में इसके अंदर से भी कंडेंस मिल्क आता है। ठीक है, उसके बाद आपने इसे मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इसे देखना है अच्छे से कि कंडेंस मिल्क अगर ज़्यादा आपको लगे तो आपने पिसा खोपरा ऊपर से और शामिल करना है। हमने इसमें अच्छे तरीके से पिसा खोपरा थोड़ा सा और शामिल किया, और उसके बाद इसकी अच्छे से बाइंडिंग करके हाथों से लड्डू बना के, ड्राई कोकोनट जो था हमारे पास वो हमने साइड में रखा था, और उसकी कोटिंग करके हम इसे एक साइड में रखते रहेंगे। ये छोटी छोटी सी कोकोनट बॉल्स बनेंगी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक। देखिए, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, विद इन 10 मिनट्स बन जाता है ये मीठा, और अक्सर खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होती है, तो ये उसके लिए बेस्ट रेसिपी है। आप एक दफ़ा बनाइए और इसे अपने बॉक्स में, एयर टाइट बॉक्स में करके रख दीजिए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम आपके लिए दोबारा हाजिर होंगे। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे आयशा शहजाद को याद रखिएगा, और कीप कनेक्टिंग विद माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।